हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग चैनल। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है चीला बनाने से। तो मेरा सारा चीला जल चुका है। अभी ताऊ जी पूजा कर रहे हैं। अगर ताऊ जी को पता चलेगा कि मैंने चीला जला दिया है तो मेरा तो होने वाला है आज बैंड बजा बरात। मैं दिखाती हूँ अपने चीलों की हालत, दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा से। चीला बनना था, वो गोल बनना था। ये मैंने चीला का घोल बनाया हुआ है, ये घी रखा हुआ है, ये तवा, ये चीले जो टूट चुके हैं सारे। एक चीला सही बना है, चीला पूरा बेकार होने वाला है। ताऊ जी पूजा करे, अभी ताऊ जी आएंगे, उसके बाद मेरे को पढ़ने वाले शॉर्ट। पर एक चीज ये है कि जितना भी मुझे एक्सपेरिमेंट करना होता है वो सब ताऊ जी के वहां मिलता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सो फिर से दोबारा ट्राई करती हूँ। अब दोबारा वाला चीला आपको दिखाऊंगी, रुक जाओ। डाल दिया चीला, सही सलामत डल जा रहा है। फिर ये ना पूरा टूट जा रहा है, मैं इसके ऊपर घी लगाती हूँ। एक चीला सही बना है सिर्फ, बस ये वाला चीला भी टूट चुका है। अब मेरे सारे चीले बेकार हो गए हैं, मैं ताऊ जी के हाथ से डांट खाने वाली। एक चीला जो है वो अच्छे से पलट चुका है, अच्छे से बन चुका है। थोड़ा सा ताऊ जी को खिलाने के लिए हो जाएगा एक चीला, बाकी सारे टूट फूट चुके हैं। अभी ताऊ जी पूजा से नहीं आए हैं, अभी मेरे बहुत गंदी वाली और सुनाई होने वाली है। अब थोड़ा सा मेरा चीला अच्छा लग रहा है मुझे देख के। वाह, देख सकते हो मेरा एक चीला कितना अच्छा बन चुका है। सारे चीला टूट चुके हैं, एक ही वाला चीला था जो अच्छा बना था। सिर्फ मैंने 6-7 चीला बना दिए, उसमें से सिर्फ एक और दो चीला ही अच्छे हुए हैं बस। मैंने डांट खा दी है और ताऊ जी कह रहे हैं कि घी में चीला बनते। मैंने बोला यार मेरे को तो लगा उसी में बनते होंगे। और मेरे पैर में ना प्याज गिर गया, ऊपर से जो गर्म प्याज था मेरा पैर भी चल गया। बट अभी चीला मेरा बन रहा है, कोई नहीं, इतनी तो चलता रहता है। ताऊ जी कह रहे हैं आज के बाद रसोई में नहीं आने दूंगा तेरे को, तूने सारा खराब कर दिया है। पर यार मैं तो अपनी तरफ से अच्छा बना रही थी, वो बेकार बन गया तो मैं क्या करूं। बट कोई नहीं, बन जाएगा अच्छा, कभी ना कभी तो बनेगा ही। अभी तो हम लर्निंग पीरियड में है, क्या पता बाद में कभी अच्छा बन जाए। पर मुझे तब भी मैं लगी रहती हूँ, मुझे लगा कभी ना कभी तो अच्छा बनेगा ना, है ना, क्या बोलती पब्लिक। सारे चीले बन चुके हैं, बट आप वाले जो चीले हैं वो अच्छे बने हुए हैं, यानी कि सारे टूट गए। चीले का मेरा पीला हो गया है, जो बहुत सारा बचा था, मैं बनवा बना के थक गई थी यार। तो बहुत सारा जो बचा था हुआ था, मैंने वो एक साथ सारा डाल दिया। मैं दिखाती हूँ, रुको, डाल दिया है। अभी थोड़ा थोड़ा करके पकता रहेगा यार। ये चीला तो बहुत डिफरेंट वाला चीला बन चुका है। पता नहीं ताऊ जी खाएंगे या नहीं खाएंगे। वैसे तो खाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं खाएंगे तो। और ये मेरे जो चीला जो मैंने ताऊ जी के लिए बनाए हुए हैं जो सही है, और जो ये टूट फूट गए वो इधर है, सारे इधर पड़े हुए हैं, ये लाइन बाय लाइन। 1, 2, 3 सारी नाट खा दी है, पर उसके बाद भी कोई नहीं, खाना तो खाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं खाना नहीं खाती हूँ डांट खाने के बाद। डांट खाने के बाद मुझे और ज्यादा भूख लगती है, पर ताऊ जी इतना ज्यादा वाला नहीं डांटते जैसे घर वाले डांटते हैं, ऐसा नहीं डांटते। ताऊ जी प्यार से बोलते, तो ताऊ जी का कहा बुरा भी नहीं लगता है, क्योंकि ताऊ जी मेरे बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट डैड है, बेस्ट सब कुछ बेस्ट है ताऊ जी। ताऊ जी बहुत, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा लगाव ताऊ जी से है और मैं ताऊ जी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ सिर्फ अपनी ताऊ जी की वजह से हूँ। तो इसीलिए उससे पहले से ही, बचपन से ही, जब मैं 6 या 7 साल की थी तब से मैं ताऊ जी के अटैच्ड हूँ। तो मेरा ज्यादा लगाव ताऊ जी की तरफ है, इसीलिए मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ। और मैंने आज पहना हुआ सूट, कैसे दिखाऊं, दिखेगा ही नहीं। और मैं एक चीज दिखाने वाली हूँ, जिस चेयर में मैं बैठी थी ना अभी तक, उस चेयर में क्या लिखा हुआ है ताऊ जी और मेरे भाई बहनों ने। रुको, सबर करो, क्या मोटे लोग इन चेयर में ना बैठे। मतलब मैं इतनी मोटी हूँ, बताना कि मैं मोटी हूँ या नहीं हूँ, मैं तो हेल्दी हूँ ना, इसे मोटा थोड़ा ना कहते हैं, कौन समझाएगा इन्हें। ओहो, सो गाइस फाइनली मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं। ग्लव्स ये वो वाले हैं जो हमने हॉस्पिटल से, मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी करती हूँ तो ऑफकोर्स हॉस्पिटल के ग्लव्स काम आएंगे। ये मैंने पापा के लिए डाई भिगा दी है, क्योंकि पापा इतने गंदे लग रहे हैं। मम्मी के सर पे तो डाई बब्बू ने कर दी थी, तो मैं पापा के सर पे करती हूँ, थोड़ा लुक वाइज अच्छे तो लगेंगे। अभी से इतने बूढ़े लग रहे हैं, अभी तो हमारी शादी अभी नहीं हो रखी है, तो यार कुछ अच्छा बना दे पापा को, हीरो वगैरह। चलो दिखाते आपको। सो गाइस फाइनली हमने अपने पापा के सर पे पहले डाई लगा दी है, जैसे कि बचपन में पापा हमारे बाल काटा करते थे और अब हम अपने पापा के सर पे डाई लगाते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सब, क्योंकि पापा बहुत गंदे से लग रहे थे यार, इसीलिए अभी पापा दाढ़ी बनाएंगे तो मैं पापा की मूंछ में तब तक ये डाई लगा देती हूँ।
सो गाइज मैंने अपने अकॉर्डिंग सारी मेहंदी लगा दी है पापा के सर पे। आप पापा हीरो लगेंगे क्योंकि यार अभी तो हम इतने छोटे, अभी से ही पापा बूढ़े लगने लग जा रहे हैं तो क्या फायदा, पापा को थोड़ा हीरो बनाया जाए। क्योंकि मम्मी को मेरी छोटी बहन ने मेहंदी डाई कर दी है मम्मी के सर पे, मम्मी को मेरी छोटी बहन हीरो बनाती है, हीरोइन बनाती है, और मैं अपने पापा को हीरो बनाती हूँ। सो गाइस आज हम अपने पापा का डेंटिंग पेंटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे यहाँ होली है। जब हमारे वहाँ होली वैसे तो होती है पर आज हमारे यहाँ पे पूरा गांव फेरा जाता है होली में, तो पापा भी जाएंगे, थोड़ा स्मार्ट से लगेंगे तो अच्छा है ना। और इसके अलावा हमारे आज आधा ही गांव होली में फेरा जाएगा, फिर कल बाजार में होली होगी, फिर परसों फिर वो पूरा गांव फेरा जाएगा होली का। सो मैं आज आपको होली भी दिखाने वाली हूँ क्योंकि आज घर घर होली आएगी ना, तो इसीलिए। सो गाइज फाइनली मैंने अपने पापा के सर पे मेहंदी डाई वगैरह कर ली है, अब पापा का हम पापा भी हेड वॉश वगैरह करेंगे, उसके बाद फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। तो तब तक मैं ये लगाए हुए ग्लव्स इन्हें रिमूव करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। सो गाइज मैंने अपने पापा के सर पे मेहंदी लगा के ये मेरे पापा का फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं। 10 रुपए की पेप्सी, तनुजा भट्ट के पापा सेक्सी, देखो। सो गाइज अब मैं अपने ताऊ जी को खाना देने के लिए जा रही हूँ जो मम्मी ने बनाया था नीचे। सो अब ताऊ जी को खाना देते, उसके बाद आज हमारे घर में होली आने वाली है क्योंकि आज हमारे यहाँ पे गांव फिरते ही है ताऊ जी का खाना, ताऊ जी को खाना दे देती हूँ पहले। सो गाइज आज हमारे यहाँ होली, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि गांव फेरेंगे होली के लिए, तो उसके लिए जब जिस जिसके घर पे आती है होली तो उन्हें खाने के लिए गुड़ वगैरह देते, बट इसके अलावा और चीजें भी दे सकते हैं। सो मेरे ताऊ जी जो उनको देंगे मैं दिखाती हूँ आपको, रुक जाओ। ये मेरे ताऊ जी ने रख दिया इधर कलर, इधर ये, इधर ये, इधर ये, इधर ये, इधर गुड़, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि गुड़ भी देना होता है, और ये इधर लगे हुए ताऊ जी और कन्नू तैयारी करने में हुए में ये। सो गाइज फाइनली हमारे घर पे होली आ चुकी है, तो मैं अब आपको उसका दृश्य दिखाने वाली हूँ, होली दिखाने वाली हूँ जो आमतौर पर हमारे गांव में होती है, जो आदमियों की होली, औरतों की होली जो हमारे वहाँ पे सामने ताई जी है उनके वहाँ पे है, जो आदमियों वाली है वो होली मैं आपको दिखाती हूँ पहले, चलिए। गाइज फाइनली जो आदमियों की होली थी वो खत्म हो चुकी है, अब हम अपने औरतों की होली में जा रहे हैं, तो अब मैं आपको वहाँ की होली दिखाने वाली हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी औरतें कुछ कुछ बन के आई है, कोई मोदी बनकर आया है तो कोई कुछ बनकर आया हुआ है, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, चलिए चलते हैं। सो गाइज फाइनली मेरी मम्मी का फाइनल लुक ये है, आप देख सकते हैं ये पीछे तो खाती रहती है, इसी ने डाई किए थे मम्मी के सर पे। सो मैंने मम्मी के लिए एक बनाया है, नाचे है दिल्ली हिले है लंदन, और मेरी मम्मी रवीना टंडन मम्मी के लिए था ये। सो अब हम औरतों की होली में जाने वाले हैं, मम्मी भी आने वाली है बट मैं अपनी बहनों के साथ जा रही हूँ, अब वहां का आपको व्यू दिखाती हूँ, चलिए चलते हैं। तो गाइज अभी हमारे घर पे काम भी चल रहा है घर का थोड़ा बहुत, क्योंकि रसोई बन रही है एक नई वाली, और अभी हम औरतों की होली में जा रहे हैं, तो चलिए चलते। ये मेरी बहन है चाची की बेटी, हेलो गाइज वेल। Oh, 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 oh
मोदी जी डांस करते हुए। ये मोदी का अर्धनारेश्वर रूप है। चेला।
गाइज मैं दिन की होली तो इतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई, सो मैं आपको रात की होली दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं। फाइनली मैं अपने घर पहुंच चुकी होली से। आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।